हुतियों ने एक बार फिर से भारत आ रहे जहाज पर मिसाइल हमला कर दुनिया में हड़कंप मचा दिया और अपनी मौत को बुला लिया। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि कच्चा तेल लेकर भारत जा रहे पनामा के झंडे वाले एक टैंकर पर लाल सागर में एक मिसाइल से हमला किया गया। यमन में लॉन्च की गई मिसाइल ने एमटी पोलक्स को इसके बंदरगाह की ओर मारा। पोलक्स रूस के काला सागर स्थित बंदरगाह शहर नोवोरोसिस्क से 24 जनवरी को रवाना हुआ था। ये भारत के पारादीप के पास 28 फरवरी को पहुंचने वाला है। पारादीप में इंडियन ऑयल कंपनी की 3 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता की रिफाइनरी है। ओशियन फ्रंट मैरिटाइम को एसए के स्वामित्व वाले जहाज का संचालन सी ट्रेड मैरिन एसएम की ओर से किया जाता है। इस संबंध में दोनों फर्म की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इससे पहले शुक्रवार को यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी और ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने कहा था कि पनामा ध्वजांकित टैंकर को यमन से दूर मोखा बंदरगाह के उत्तर पश्चिम में 72 समुद्री मील यानी 333 किलोमीटर की दूरी पर टक्कर मार दी गई थी। एम्ब्रे ने कहा, जहाज कथित तौर पर मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है, चालक दल के सुरक्षित होने की खबर है। ये अंतर्राष्ट्रीय नौवहन पर अराजक हमलों का एक और उदाहरण है जो होती को बंद करने के लिए कई संयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय बयानों के बाद भी जारी है। एमटी पोलक्स के उत्तर पूर्व में 3 समुद्री मील की दूरी पर एक अन्य जहाज को टैंकर से दूर बंदरगाह की ओर रास्ता बदलते हुए देखा गया है। एलएसईजी डेटा के अनुसार एमटी पोलक्स 24 जनवरी को रूस के काला सागर बंदरगाह शहर से रवाना हुआ था और 28 फरवरी को उसे भारत के पारादीप में छुट्टी मिली थी। इंडियन ऑयल कंपनी की पूर्वी उड़ीसा राज्य के पारादीप में 3 लाख बैरल प्रतिदिन की बीडीपी तेल रिफाइनरी है। एलएसईजी डेटा के अनुसार जहाज का स्वामित्व ओशन फ्रंट मैरिटाइम कंपनी एसए के पास है और इसका प्रबंधन सी ट्रेड मरीन एसए द्वारा किया जाता है। उन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। यमन में ईरान समर्थित होतीज ने कहा कि वे फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए लाल सागर के जहाजों पर हमला जारी रखेंगे जब तक इसराइल उनके खिलाफ अपराध करना जारी रखेगा। हुती नेता अल होती ने एक टेलीविजन भाषण में कहा कि हमारे अभियानों का दुश्मन पर बड़ा प्रभाव है, जो एक बड़ी सफलता और वास्तविक जीत है। जहाजों पर हमलों ने वैश्विक व्यापार को बाधित कर दिया है, मुद्रास्फीति की आशंका पैदा कर दी है और इसराइल हमास युद्ध फैलने की चिंता गहरा गई है। खैर, देखना तो ये होगा कि भारत किस तरह से बदला लेगा हुतियों से और क्या हुतियों का समर्थन करने वाले देशों का भी भारत करेगा इलाज। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।